हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैजिक ऑफ मैगी का क्रिस्पी सैंडविच। ठीक है, तो मैजिक जो होगा मैगी के साथ में आज हम करने वाले हैं। मैगी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं क्रिस्पी सैंडविच बनाया है मैंने। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। प्लीज़, आपसे सब लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरा आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैगी सैंडविच बनाने के लिए मैंने सुप्रीम लिया है। सुप्रीम को इस तरह से हैमर से इसको मतलब इसको फैला देना है। इस तरह से जैसे जैसे हैमर मारोगे जिस तरह से चिकन थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पीपन क्रंचीपन आ जाएगा इसके अंदर। इसलिए इसका इसको हम थोड़ा सा पतला कर रहे हैं। तो हैमर से आप चाहे तो घर के अंदर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, हल्की भारी हो, उससे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हैमर होगा तभी होगा। तो चाहे इस तरह से आपको मतलब उसको फैला देना है चिकन को। ठीक है, इस तरह से फैलने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि हम KFC से भी बेटर जो फ्राइड सैंडविच बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो चिकन को हमें फैला रखा है। तो उसके लिए फिर हमने उसमें चिली पेस्ट डाला है। चिली पेस्ट जो शेजवान होता है, शेजवान टाइप का बनाते हैं हम, जो मैंने बीच में किसी रेसिपी में डाल रखा है। वैसे आप देख सकते हैं किसी रेसिपी के अंदर, मोमोज की रेसिपी के अंदर मैंने डाला था। तो कैसे बनता है वो आप देख सकते हैं। चिली पेस्ट, चिली पेस्ट को इस तरह से आपको उसके अंदर मिक्स कर देना, हल्का सा सॉल्ट डालना। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे हम, क्योंकि मैं प्लेन और सिंपल और अच्छी रेसिपी बनाता हूँ। आपको पता है कि ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट डालता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। इसलिए करता हूँ कोई भी चीज़ मेरी जो चीज़ बनाए और खाए तो उस हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो। इसलिए मैं ये करता हूँ, हेल्थ का ध्यान रखते हुए हेल्थी चीज़ें बनाता हूँ, ताकि आप उसे अपने खाने की डाइट में कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर मैंने इसको मैरिनेट कर दिया अच्छे से। उसके बाद एक पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया हल्का सा। ठीक है, इनको हम सोते चिकन को सोते करने के लिए मैंने ये ऑयल डाला है थोड़ा सा, 1-2 टीस्पून आप भी डाल सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग टू आप अपना ग्रिल से ऑयल खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रिल करना है, ग्रिल करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रिल करते हुए उसको फैल मतलब चिकन को पैन के ऊपर डाल देना है। आराम से ऐसे ऐसे डालना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अपन कहीं जाना नहीं। आराम से हम कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंस हम अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको कुकिंग अच्छी नहीं होगी। तो चाहे पेशेंस रखते हुए हमें चिकन पकाना है, अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि अच्छा सा क्रिस्पीपन आए चिकन के अंदर। फिर उसको ऊपर नीचे पलटी मारना है, इधर से उधर इस तरह से, ताकि क्या होगा चिकन ऊपर से पकेगा अंदर से पकेगा। और स्लो फ्लेम पर पकाना, सबसे बड़ी बात ये है आपको हार्ड उसको फ्लेम जो होती है गैस की वो तेज़ नहीं करनी, तो स्लो फ्लेम रखनी है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी भी फ्लेम है जो स्लो है। तो आपको भी स्लो फ्लेम पे भी कुकिंग करनी, ऐसा नहीं फास्ट मूविंग पे कुकिंग करनी। फास्ट मूविंग पे चिकन मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आता, चिकन का जो जूसीपन होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं उसे स्लो फ्लेम पर कुक करते हैं। ठीक है, स्लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे से कुक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें हल्का सा जो गोल्डन कलर होता है चिकन के अंदर वो आने लग गया है। देख लिया चिकन के अंदर गोल्डन कलर आ रहा है, चिकन के अंदर देखने में जूसी लग रहा है। तो जूसी चिकन जब तक नहीं होता खाने का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए क्या जूसी चिकन करना है, जूसी चिकन को धीरे से कुक करना पड़ता है। वो चिकन मेरा कुक हो चुका है। तो अब मैंने चले देख लिया, मैंने कहा था आपको मैजिक और मैगी का मैजिक कर रहा हूँ, जो KFC से बेटर अपना जो चिकन है और जो सैंडविच बना रहे हैं जो मैगी मैजिक का। तो इस तरह से मैंने मैगी ली, मैगी की 2 स्लाइस ली, 2 स्लाइस को 1/2 कर सकते हैं इस तरह से आपको दिया। इस तरह से 1/2 करना, क्योंकि मैगी टूट जा मैगी का जो बंच होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए मैंने भी इसको 1/2 किया। देखिए आप 1/2 हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने अंदर एक पैन के अंदर हल्का सा ऑयल लिया है। आपका जो मैगी का जो बंच है वो जो मैगी है वो फ्राई हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा ऑयल मत लें, कम ही लें। एकदम डीप फ्राई या सेलो फ्राई मिक्सअप में होगा ही, अगर ज़्यादा तेल नहीं लिया है मैंने, ताकि हल्की सी डीप होगी हल्की। ठीक है, इस तरह से मैंने 2-3 चम्मच इसमें ऑयल ले लिया फ्रेश। ठीक है, कोई सा भी आपको जो ऑयल आप खाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हल्का सा ऑयल को हीट करने के लिए रखा है। जो ऑयल हीट हो चुका है मेरा, स्लो फ्लेम पे भी कर रहा हूँ ये भी देखिए आप, मैं ऐसा नहीं हाई फ्लेम पे कर रहा हूँ, स्लो फ्लेम पे कुक कर रहा हूँ, ताकि क्या होता है कि स्लो फ्लेम पे कुकिंग जो होती है वो अच्छी होती है। तो इसलिए लोग होममेड जो कुकिंग होती है वो पसंद करते हैं। तो होममेड जो कुकिंग होती है वो स्लो फ्लेम पे होती है। तो इस तरह से आपको कुकिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर से गोल्डन कलर आएगा तब आपको निकालना है इसको। ठीक है, इस तरह से गोल्डन कलर जैसे आपको गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपको इसको निकाल देना है। ठीक है, मैगी को इस तरह से गोल्डन कलर देखो, इस तरह मेरे मैगी का आ चुका है।
तो जो खाने में जो क्रंचनेस होता है ना, जब कैसी कैप्सिक चिकन खाते हैं उससे वैसा ही, उससे बेटर टेस्ट आएगा आपको इस चिकन में, चिकन मैजी को मैगी सैंडविच के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये गोल्डन कलर का फ्राई करके निकाली है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको इस प्लेट में रख दिया। इस तरह से देखिए आप, जो मैगी है वो एकदम फ्राइड और गोल्डन कलर में अच्छे से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैगी का पीस लिया मैंने, वो पूरा का पूरा लिया, उसमें डायरेक्ट उसके अंदर फ्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले को भी, उसको भी स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर रहा हूँ मैं, आपको भी स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा मतलब कि स्लो फ्लेम पे कुकिंग हो रही है, और एकदम स्लो फ्लेम में अच्छी कुकिंग होती है और अच्छा कलर आता है। हाई फ्लेम पे ऐसा कोई ज़्यादा कलर आता, कलर डार्कनेस आ जाता है, डार्कनेस नहीं करना है हमें, लाइट फ्राई करना है। लाइट फ्राई में जो होता है गोल्डन फ्राई होता है वही करना है आपको। तो स्लोली स्लोली कुकिंग करना है और स्लो फ्लेम पे करना है। ठीक है, आराम से आहिस्ते आहिस्ते आराम से, आप भी कुछ भी चम्मच चम्मच घर के अंदर जो भी, अगर आपके अंदर आपके पास टैग नहीं है, टोंग नहीं है, तो टोंग के बदले आप अपने घर के अंदर जारा भी हो सकता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरे जो मैगी का कलर है वो गोल्डन आ चुका है, और मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी सीजनिंग की, जो सैंडविच की फिलिंग होती है, फिलिंग करने के लिए हमें मैन्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैन्यूज आपको पता है मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, कहीं भी पैकेट आप छोटा पैकेट ले सकते हैं, बड़ा पैकेट ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने बजट ले सकते हैं आपको क्या। उसके बाद जो हमने चिली पेस्ट से सीजनिंग किया हुआ चिकन के अंदर, तो इसलिए चिली पेस्ट ले रहे हैं हम। चिली पेस्ट जो होता है होममेड मैंने बनाया हुआ वही है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, तो सीजनिंग के अंदर और सैंडविच के अंदर सेम टेस्ट आना चाहिए, इसलिए सेम टेस्ट को रखने के लिए मैंने सेम सीजनिंग इसकी वो बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी सीजनिंग रेडी कर देनी। सीजनिंग रेडी करने के लिए मैंने बोला था मैन्यूज लिया, मैन्यूज के अंदर मैंने चिली पेस्ट डाला, चिली पेस्ट के अंदर सॉल्ट डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको, ठीक है, इस तरह से फिर मिक्स होने के बाद मैगी के ऊपर आपको इस तरह से लगा देना, जो मैंने इसमें सीजनिंग वाला बनाया था अच्छे से लगा देना, ताकि चारों तरफ कवर हो जाए, जो जो आपका हर बाइट के अंदर इसका टेस्ट आए। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है, देख सकते हैं आप फिलिंग करते हुए मैं इसके ऊपर इसका लगाना है। इस तरह से आप पूरे मैगी के ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना पूरी मैगी के ऊपर। तो दोनों मैगी के ऊपर मैंने जो सैंडविच की फिलिंग थी वो लगा दी। उसके बाद उसके ऊपर हमें सैंडविच रखना है, मतलब चिकन रखना है, चिकन जो हमने ग्रिल किया था, जूसी चिकन है, अच्छा सा क्रिस्प क्रंचनेस आया हुआ है इसमें, और जूसी भी है। तो इस तरह से आपको दो तीन स्लाइस जो भी होगी आप चिकन के अकॉर्डिंग टू अपने आप रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेट्यूस की, लेट्यूस सैंडविच के अंदर लगता है, तो लेट्यूस हमने लगाया इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्यूस लगाया, लेट्यूस के ऊपर हमने सोचा चीज़ का भी जरूरी होता, तो चीज़ इसलिए चीज़ स्लाइस लगा रहा हूँ मैं। स्लाइस लगाने के बाद हम सब कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, पैक कर दिया है। इस तरह से पैक हो चुका है हमारा सैंडविच, तो मैजिक और मैगी का सैंडविच बन चुका है हमारा, और यूनिक रेसिपी है, किसी ने नहीं बनाई है, मेरी ओन रेसिपी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। गार्निश की बारी आती है, गार्निश मेरे फ्रेंड आपको पता है मेरी गार्निश कैसी होती है, मेरी गार्निश यूनिक होती है और प्रेजेंटेशन वाव वाली वाव फैक्टर वाली होती है। ठीक है, तो चलिए मैंने गार्निश करने के लिए सेम वही जो चिली पेस्ट का वाला मेन्यूज था वो यूज़ किया है, उसको इस तरह से मैंने इस तरह से आपको प्लेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि तीन चार मैंने इसमें क्रॉस मार दिए, ताकि अब प्लेटिंग होती जो लुक होता है वाव फैक्टर वाला जो वो बना दिया मैंने इस तरह से। आप देख सकते हैं प्लेटिंग वाव हो चुकी है मेरी। उसके बाद फिर हमें डाल रहे हैं कि सैंडविच लगा, सैंडविच के नीचे थोड़ा सा इसमें लेट्यूस लगा रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, ताकि एक दो पीस लेट्यूस लगा रहा हूँ, ताकि नीचे के सैंडविच के नीचे रख सकते हैं आप भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेट्यूस सैंडविच के साथ खाया जाता है तो बेटर होता है। तो आइस थोड़ा सा इसमें थोड़ा आइस में रखा था, चलो मैं थोड़ा पानी झिटक रहा हूँ। पानी निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर नीचे लेट्यूस रखा, लेट्यूस के ऊपर ये सैंडविच रख दिया मैंने इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैं रेडी टू परफेक्ट मेरा सैंडविच हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहे शेफ अजय के साथ में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह से नई नई रेसिपी के बने रहे शेफ।